नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कान बनाने की एक सरल ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले एक रफ लाइन खींचेंगे, जिस झुकाव में हमें कान बनाना है उसी तरह से उस लाइन को हम खींच लेंगे। अब इस लाइन से टच होते हुए हमें पहले एक बड़ा वृत्त बनाना है और फिर उसी लाइन से टच होते हुए हमें एक उससे छोटा वृत्त बनाना है। अब बीच वाली ये लाइन जो है उसको हम साफ कर देंगे। ये लाइन इस तरह से यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ से मोटाई कुछ ज़्यादा रहेगी और इसे हम यहाँ पे अंदर की साइड में ऐसे मोड़ देंगे। जहाँ जहाँ गहराई होती है वहाँ पे डार्क शेड करेंगे। अब एक्स्ट्रा लाइन जो थी उसे हम साफ कर लेंगे और किसी डार्क पेंसिल से शेड करेंगे। जहाँ जहाँ ज़्यादा गहराई दिखानी है वहाँ पे इस तरह से डार्क शेड हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा बाहर को निकला हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथ से
पेंसिल को चलाना है। उभरा हुआ जो भाग है वो लाइट से बड़े आसानी से अगर पेंसिल स्ट्रोक को मिक्स करना चाहते हैं तो किसी कॉटन का या फिर सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश का यूज कर रहा हूँ। इस तरह से आप बहुत आराम से कर लेंगे। बाहर की साइड में भी थोड़ी शेड दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप इसको करते हुए चले, जहाँ पे गहराई दिखानी होती है वहाँ पे उसी हिसाब से हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ पे इसकी जो शेप है वो देख लेंगे। ऐसे इस तरह से हम बहुत ही आसान है शेड ही मेन चीज होती है। शेड को अच्छे से समझ गए तो बड़ी आसानी से 3D इफेक्ट दिखा सकते हैं।
जहाँ जहाँ पे कुछ लाइट नज़र आ रहा था वहाँ पे दोबारा से ये डार्क कर रहा हूँ। अब हमें चीज़ को शेड करने के बाद अगर कॉटन का यूज हम करते हैं तो कुछ अनचाहे जगहों पर शेड हो जाती है, उसे हम रबर से साफ कर लेंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ हाईलाइट दिखानी है वहाँ वहाँ से हम साफ कर लेंगे। यहाँ पे पतल के हाथ से रबर को चलाना है। इसी तरह से आप अलग अलग दिशाओं में कान बना करके देखेंगे। Thank you.
तरह से बना करके देखते रहे। दोनों साइड से ऐसे कान बना कर आप देखेंगे। ये मैंने आप लोगों को दोनों साइड से बना करके दिखा दिया। इस तरह से
तो आप अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।